करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। वेलकम टू माई चैनल मोहम्मद अदीब शाहिद। तो आपने पार्ट 3 देखा होगा, कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का पार्ट 3 आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली एक कंप्यूटर लिया था, जिसमें मैंने फ्रंट की कुछ चीज़ें बताई, सही है, उसमें इनसाइड कुछ बताया कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर वगैरह जो इनसाइड जो लगे हुए होते हैं उनके बारे में बात करी, ऐसी बैक साइड पे कुछ पोर्ट्स वगैरह हमारे पास लगी हुई होती हैं उनके बारे में हम बात करी, सही है। इसके अलावा जो पोर्ट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं बैक साइड से उनके बारे में बात करी हमने। तो आई होप आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ये पार्ट 4 है उसी का, कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एवरीवन आप यहां देख सकते हैं इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग द हार्डवेयर यू डोंट सी वगैरह हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि इसके अंदर साउंड कार्ड वगैरह होता है, नेटवर्क कार्ड वगैरह होता है, जो आप पीछे देख रहे थे ना, जो पिंस वगैरह हमें नजर आ रही थी, जो पीसी हमने पिछले पार्ट 3 में देखा है उसके अंदर नेटवर्क कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था। क्यों नहीं लगा हुआ था? क्योंकि अब जो नए पीसी हमारे पास आ रहे हैं, जो नए पीसी हमारे पास न्यू कंडीशन में जो पीसी आ रहे हैं उनके अंदर जो नेटवर्क कार्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर ही मतलब के मर्ज हुआ हुआ होता है, वो अलग से हमें नहीं लगाना पड़ता। जबकि जो पीसी आपके सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर जो है अलग से नेटवर्क कार्ड वगैरह लगे हुए, वीडियो कार्ड वगैरह अलग से लगे हुए, जबकि जो नए पीसी आ रहे हैं उनके अंदर ये मर्ज हुए होते हैं, तो आपको इस वजह से उसके अंदर नेटवर्क कार्ड वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। तो चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। लिखा हुआ कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, जो हमने हार्डवेयर वगैरह देखे थे, सही है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं। मॉनिटर कीबोर्ड माउस वगैरह तो आपने देखा ही होगा अच्छी तरीके से। नीचे देख लेते हैं, कंप्यूटर केस लिखा हुआ है, पावर लाइट, एक्सटर्नल लाइट, एक्सटर्नल पोर्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। ऊपर से दोबारा मैं आ जाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है मॉनिटर, मॉनिटर, सही है। अगर आप 2020 में अगर आप कंप्यूटर लेने जाओ तो आपको मॉनिटर नहीं मिलता, आपको वहाँ पे मिलता है LCD, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, कुछ इसकी स्टैंड फॉर यानी कि फुल फॉर है, सही है। यहाँ पे बोल रहे हैं भाई सी पिक्चर ऑन दी नेक्स्ट पेज, इसकी आप पिक्चर भी देखोगे नेक्स्ट पेज पे, आगे जो नेक्स्ट पेज आएंगे उसमें मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा इसकी। लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, जैसे आपके घर में वो होता है ना टीवी, उसी तरीके की ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन यानी कि जो आपकी स्क्रीन आ रही होती है जिस पर आप चैनल वगैरह देखते हो, जियो न्यूज़ देखते हो या एयरवाइन न्यूज़ देखते हो या कार्टून देखते हो या इवन कुछ भी आप उसके अंदर देखते हो, तो वो जैसी जो डिस्प्ले आ रहा था वही कंप्यूटर का डिस्प्ले भी होता है, बस उसको हम खुद एक्सेस कर सकते हैं, उसमें हम एक्सेस नहीं होता हमारा, इसके अंदर हमारा एक्सेस होता है कंप्यूटर के मामले में। तो इसका आप नेक्स्ट पिक्चर देखोगे, आगे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरीके से डीप में जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे इसकी मॉनिटर की। इसके अलावा कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, अगर आपने पुराने ज़माने में टाइपराइटर देखा है तो आप कीबोर्ड को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आ टाइपराइटर लाइक डिवाइस दैट अलाउ यू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था 2 × 2, वो मैं कैसे दूंगा, कीबोर्ड की मदद से ही दूंगा 2 × 2, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर वो डिस्प्ले दी आंसर करेगा यानी कि आंसर को डिस्प्ले करेगा, तो मैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं किसकी मदद से दूंगा, कीबोर्ड की मदद से दूंगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे फिर नीचे आ जाता है माउस, माउस जो नॉर्मली मैं ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये माउस ही है, माउस की वजह से ये कर्सर नज़र आ रहा है आपको, वरना ये नज़र नहीं आता। अ हैंड ऑपरेटर डिवाइस विद अ पॉइंटर शो ऑन द मॉनिटर अलाउंग यू टू सेलेक्ट एंड मूव आइटम ऑन द स्क्रीन, सही है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई आइटम है, सही है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करा है किसी मदद से, पॉइंटर की मदद से, जो पॉइंटर आ रहा है, सही, कुछ भी मैं मूव कर सकता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ, इवन मैं ऊपर आ सकता हूँ, बात समझ में आ गई। तो कंप्यूटर के लिए जो माउस है वो भी अहमियत का हामिल है, अगर डेस्कटॉप पे अगर हम बात करें विंडोज 7 के अंदर, जब हम विंडोज 7 का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको आइकॉन मूव करके बताऊंगा कि मूव कैसे होते हैं उसके अंदर, तो वो किसकी मदद से करते हैं, हम माउस की मदद से करते हैं, तो लेकिन वो बाद में हम देखेंगे उसका, ठीक है, अगर आपको कोर्स देखना है तो वो मेरी प्लेलिस्ट उसके अंदर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, लिखा हुआ कंप्यूटर केस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस दो तरह के होते हैं जो मैंने आपको पहले बताएं, एक टावर कास्टिंग केस होता है और एक होता है डेस्कटॉप केस, जो हम मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर भी दिखाया था।
सही यहाँ पे होल्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक चिप, ये बहुत सारी चिप्स को होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर। डिवाइस डेट मैक द कंप्यूटर, ये बहुत सारी चिप्स को अंदर अपने अंदर समा के रखता है, अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और यही कंप्यूटर है। सही, यही कंप्यूटर वर्क करता है। इसके अंदर पावर बटन होता है। सही है, पावर बटन आपने देखा होगा बिल्कुल उस कोने, पीसी के कोने में बना होता, जिसके ऊपर एक गोल दायरा बना होता है, उसके अंदर एक लकीर आ रही थी, वो सब क्या था, पावर बटन था। उसको एक बार पुश करना पड़ता है, जैसे करंट देने के बाद एक बार पुश करना होता है तो कंप्यूटर उसके बाद ऑन होना शुरू हो जाता है। पुश दी बटन ऑन दी टर्न कंप्यूटर ऑन, ऑफ्टन दी पावर बटन विल लाइट अप इंडिकेटिंग दी कंप्यूटर। जैसे आप उसको प्रेस करते हो कंप्यूटर ऑन होना शुरू होता है, इसके बराबर में एक बटन वो होती है लाइट, वो बिलिंग करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो समझ लीजिएगा कंप्यूटर में कोई ख़राबी है। इसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इसके अंदर पावर लाइट के बारे में बताया जा रहा है। पावर लाइट क्या है, लेस यू नो द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग। पावर लाइट का मतलब यही है कि कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। एक्सटर्नल पोर्ट का मतलब क्या है, अलाउ अवेलेबल द बैक ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द अवेलेबिलिटी टू प्लग इन स्पीकर हेडफोन माइक्रोफोन्स वगैरह एंड मोर। देखें ये जो पिन आपको यहाँ सामने नजर आ रही है, एक्सटर्नल पोर्ट्स के पोर्ट्स बोला जाता है इनको, एक्सटर्नल पोर्ट्स। सही है, इसके अंदर माइक वगैरह की पिन वगैरह हैं, ठीक है, स्पीकर की पिन है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरे पिन है इनकी, सही है, वो अलग है, मैं उसको उसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता, वो अब आती भी नहीं है। सही, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पिन है ये आपको बैक साइड पे भी मिलेगी पीसी के, और फ्रंट साइड पे भी मिलेगी। अब ये बैक साइड पे मिल रही है, तो अगर ये फ्रंट साइड पर है तो ये क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल पोर्ट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है कुछ तरीके से, इसको एक्सटर्नल पोर्ट भी बोल सकते हो आप, इसको एक्सटर्नल पिन भी बोल सकते हो। जाहिर सी बात है, पिन है ये, ठीक है, इसके अंदर पिन करते हैं हम। नंबर आगे चलते हैं, डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव, दे आर नॉट अलाउड टू डिस्क ड्राइव। सही है, देयर आर नॉट ऑलवेज टू डिस्क ड्राइव, दिस प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू यूज सी डी रोम डीवीडी रोम एंड ऑल्सो टू राइट सेफ रन ऑन टू सी डी डीवीडी एंड सी डी डीवीडी डीवीडी राइटर्स। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो डिस्क ड्राइव आपने उसके अंदर देखा था, सी डी रोम लगा हुआ था, तो आप वहाँ पे डिस्क ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं वहाँ पे हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना चाहूँ तो हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर सकता हूँ सी डी रोम की जगह, और अगर मैं वहाँ पर सी डी रोम कनेक्ट करना चाहूँ तो वहाँ पे मैं सी डी रोम भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्लॉपी ड्राइव जो नॉर्मली पहले आती थी, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने भी बहुत कम यूज़ करी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करा इसको, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे फ्लॉपी ड्राइव के बारे में। यहाँ पे डिस्क ड्राइव आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आई होगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल हमें दी हुई होती है कि अगर आपको कोई हार्ड ड्राइव आपके पास जो लगी हुई है, एक्सटर्नल इंटरनल जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है पहले से, वो अगर आपको कम पड़ जाती है, मेमोरी आपकी ज़्यादा है और वो आपको कम पड़ जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल ऐड कर सकते हो इन डिस्क ड्राइव की जगह। सी डी रोम आपको निकालना पड़ेगा, बस ये फ़र्क है। आगे चलते हैं, फ्लॉपी ड्राइव क्या है। मेनी न्यू कंप्यूटर डू नॉट हैव दिस फ्लॉपी ड्राइव, बट इट कैन एडिट इंटरनली टू योर कंप्यूटर और एक्सटर्नली विथ अ यूएसबी केबल। पहले होता था कि फ्लॉपी ड्राइव यूज़ होती थी यूएसबी की जगह, अब यूएसबी आ गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नए कंप्यूटर में क्या आती है हमारे पास, यूएसबी। फ्लॉपी ड्राइव की पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हैं। पहले एक डिस्क होती थी, वो उसके अंदर पुट करते थे, उसके अंदर डेटा आता था, उसमें कोई मुझे याद नहीं आ रहा कि 5 MB पता है कुछ ऐसा डेटा हम उसके अंदर पुट कर सकते थे, 512 MB सॉरी, इतना कुछ डेटा उसके अंदर पुट कर सकते थे हम। आगे चलते हैं, मेमोरी कार्ड रीडर, रीड्स मेमोरी कार्ड विच आर स्मॉल स्टोरेज डिवाइस यूज होल्ड डेटा सच एज टेक्स्ट इमेजेस ऑडियोज एंड वीडियोज फॉर अस ऑन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक छोटा सा कार्ड आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड, जो आप मोबाइल्स के अंदर भी लगाते हो, जो पहले जब आते थे ना मेमोरी कार्ड, तो हम इसको पीसी के अंदर भी कनेक्ट कर सकते थे डायरेक्टली। पहले इसके अंदर रीडर आता था, वो हम उसके अंदर कनेक्ट करते थे, लेकिन पहले वाले पीसीओ के अंदर आता था। अब नए वाले पीसी के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। आपको आई हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आज के जो नए दौर के पीसी हैं उनके अंदर यूएसबी पोर्ट्स वगैरह आती हैं इनकी जगह, जो नॉर्मली आप डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो और मेमोरी कार्ड आपको वहीं से एक्सेस हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मेमोरी कार्ड के अंदर नॉर्मली इमेजेस वगैरह हम रख लेते हैं, ठीक है, और टैक्स वगैरह टैक्स फाइल वगैरह हम रख लेते हैं इसके अंदर, वीडियो वगैरह रख लेते हैं, वीडियो सॉन्ग्स वगैरह रख लेते हैं, नाचे वगैरह रख लेते हैं इसके अंदर। और मैं आपको ये बता दूँ, मेमोरी कार्ड जो है बहुत सारे टाइप्स के आते हैं,
कुछ हाई लेवल के आते हैं, कुछ लो लेवल के आते हैं, कोई 4GB का आता है, कोई 8GB का आता है, कोई 32GB का आता है, सही है, कोई 64GB का आता है, सही है, 128GB तक नॉर्मली अभी तक मैंने देखा है, 128GB तक मैंने अभी तक देखा है नॉर्मली इतना जो है मेमोरी कार्ड आता है। इसके अलावा अगर USB वगैरह की आप बात करें तो 1000GB तक आराम से आ जाती है, जो USB हमारे पास एक्सटर्नल USB जो आती है जो हम इन पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट करते हैं, उस USB की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कम से कम 1000GB तक आ गई हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे USB पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, सही है, जो हम लोग कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट्स। अच्छा, USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस स्पेशली डेट अलाउ यू टू कनेक्ट डिवाइस टू दी कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा। आजकल जितना भी कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हम डेटा जितना भी ट्रांसफर करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? USB पोर्ट्स की मदद से करते हैं। पहले फ्लॉपी ड्राइव की मदद से करते थे, अब जो है थोड़ा सा एडवांस हो गया है, USB से हमारा काम भी आसान हो जाता है और डेटा जल्दी भी ट्रांसफर हो जाता है, तो USB जो है इज द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी है, फेसबुक चैनल है, उस पर भी जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।